हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें से क्लास से 11th और 12th का जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है सिंथेसिस, और उसी के अंतर्गत जो है सिंथेसिस के अंतर्गत जो हमारा है अगला जो यूज है नाउन आर फ्रेज, इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, एक नया क्या करें एक नया सिंपल सेंटेंस से बनाना। तो ये जो हमें देखना है एक नया जो सिंपल सेंटेंस बनाना है, क्या पढ़ने वाले हैं कि नाउन और फ्रेज कंपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। और सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इसमें किसका यूज करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है, नाउन और फ्रेज कंपोजिशन का। सबसे पहले हमें जानना होगा कि नाम क्या होता है, इसलिए हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। नाम जो हमारा होता है नाम नाम इज ए नाम इज ए नेमिंग वर्ड, नाम इज ए नेमिंग वर्ड, नाम एक नाम वाला शब्द होता है। अर्थात जो संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उनका जो कुछ ना कुछ नाम दिया गया है वह क्या एक प्रकार से नाउन है। अब किस कैटेगरी का नाउन है यह अलग की बात है। अब देखिए इसमें हमें किसका प्रयोग करना है, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके जो है हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस लगाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हमें देखना है नाउन क्या होता है, नाउन नीचे लिखेंगे नाउन एक नाम वाला शब्द होता है, ये तो हमने जाना नाउन होता है। अब उसके बाद हमें क्या है कि फ्रेज, अब फ्रेज जानना पड़ेगा वह क्या होता है। तो फ्रेज की हम डेफिनेशन लिखेंगे, जो हमारा फ्रेज होता है वह क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज जो हमारा होता है ए ग्रुप है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड से ए ग्रुप है ऑफ वर्ड से विदाउट वर्ड, विदाउट वर्ड ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट ए वर्ड, मतलब क्या है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ड ना आया हो, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ड ना आया हो वह हमारा क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। तो हमने देखा नाम क्या है, नाम इज ए नेमिंग वर्ड, अब उसके बाद में फ्रेज को जानना है क्या है कि फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ड, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब ना आया हो वह हमारा फ्रेज कहलाता है। अब जैसे हमने लिखा है एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं द किंग, द किंग ऑफ मेवाड़, द किंग ऑफ मेवाड़, द किंग ऑफ मेवाड़, मतलब मेवाड़ के राजा। तो हम इसमें देख सकते हैं हमारा जो अभी सेंटेंस में नहीं आया है ये हमारा क्या है, एक फ्रेज है। वह क्या है, ये हमारा फ्रेज है। इतना तो हमने जान लिया कि पहले नाउन क्या होता है और उस पर फ्रेज क्या होता है, उसका हमने एग्जांपल भी बताया। अब उसके हम आगे देखते हैं। अब तक हमने देखा जो है इसमें से मतलब फ्रेज का एग्जाम्पल देखा, अब उसके बाद अगला हमारा उसमें इन अपोजिशन भी लिखा है, उसका क्या अर्थ होता है। इन अपोजिशन मतलब होता है बगल में, इन अपोजिशन मतलब क्या होता है हिंदी में बगल में, उसे समान अधिकरण मतलब उसे समान अधिकार वाले शब्द भी कहते हैं, उसे समान अधिकार वाले क्या कहते हैं शब्द भी कहते हैं। मतलब इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है, बगल में होता है और हिंदी में उसे समान अधिकरण वाले शब्द कहते हैं, अर्थात हिंदी और किसी को समान अधिकार वाला शब्द भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमने देखा जो है, अब हम इसके बारे में आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब हमें देखना है हमें क्या है कि नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। वह क्या है कि दिए गए सिंपल सेंटेंस में, मतलब क्या है कि हमें जो सिंपल सेंटेंस दिए रहे
कहता है कि दिए गए सिंपल सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस के जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से संबंधित बात, किसी एक सेंटेंस के जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से संबंधित बात उसी वाक्य में कहा जाए या दूसरे वाक्य में कही जाए, उसी वाक्य में कहा जाए या दूसरे वाक्य में कहा जाए तो उसे वहां से उठाकर, तो हमें जो वहां से उठाकर जो है उसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बगल में दो कामा के बीच में लिख देना है। हमें क्या उसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बगल में दो कामा के बीच में लिख देना है। फिर देखते हैं, इसे बता रहे हैं जो हमें सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं रहेंगे, मतलब दिए गए सिंपल सेंटेंस में किसी एक सेंटेंस के जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से संबंधित बात उसी सेंटेंस उसी वाक्य में कहा जाए या दूसरे वाक्य में कही जाए तो उसे वहां से उठाकर हमें उसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बगल में दो कामा के बीच में लिख देना है। तो ये था हमारा इसका नियम जो है, नाउन और प्रीफिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जब अगर सिंपल सेंटेंस को हम जोड़ना चाहते हैं। अब हम जो है एग्जांपल के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है हमारा, मिस्टर गुप्ता इज आवर, मिस्टर गुप्ता इज आवर क्लास टीचर। ही नेवर टेल्स ए लाइन, पहला सेंटेंस हो गया ही नेवर टेल्स ए लाइन। अब हम इसे जो है नाउन और प्रीफिक्स प्रीपोजिशन की सहायता से हमें सिंपल सेंटेंस में इसे बदलना है। तो देखते हैं हम जो क्या है इससे कहा गया, इसमें हमने बताया कि इसका जो नियम था दिए गए सिंपल सेंटेंस में से उसी जो है सेंटेंस में किसी एक सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से बात संबंधित बात उसी सेंटेंस में कही जाए या दूसरे सेंटेंस में कही जाए, तो हमें उसे उठाकर उसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बगल में दो काम के बीच में रख देना। देखते हैं इसे कहा गया है मिस्टर गुप्ता इज आवर क्लास टीचर, नेवर टेल से लाइन, मतलब मिस्टर गुप्ता हमारे क्लास टीचर कभी झूठ नहीं बोले। अब मिस्टर गुप्ता के बारे में जो भी बात बताई गई है वह क्या है कि आवर क्लास टीचर, मतलब कि हमारे टाइम पर अध्यापक है, मतलब मिस्टर गुप्ता की जो है समान अधिकरण वाला शब्द क्या है इसमें से ए है, तो मतलब कि यही हमारे क्या है कि फ्रेज है। तो हम क्या करेंगे इसे उठाकर हमें जो सबसे पहले ध्यान सुन करना सिंपल सेंटेंस बनाने में मिस्टर गुप्ता अब यहाँ पे हमें कामा लगाना है, मिस्टर गुप्ता जी का हमें यहाँ पे हमें कामा लगाना है। अब उसके बाद भी जो इनसे संबंधित बात जो है समानांतर वाला शब्द उसे लिख देना है, आवर क्लास टीचर। अब उसके बाद फिर हमें यहाँ पे कामा लगाना है आवर क्लास टीचर, और हमने जो सब्जेक्ट को एक बार तो लिखा है यही यूज हुआ है, और हमें क्या करना है इसे हटा देना है, वहाँ से स्टार्ट करना है, हो जाएगा नेवर टेल से लाइन। इस प्रकार हमने देखा पहला सेंटेंस जो हमारा था कि हमने इसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन किया, इसकी सहायता से किया है नाउन और प्रीफिक्स अपोजिशन की, मतलब इससे गुप्ता के समान अधिकरण वाला शब्द क्या है कि आवर क्लास टीचर, मतलब इससे गुप्ता के ही बारे में ऐसी कोई बात बताई जा रही है जो इनके समान अधिकरण वाला शब्द है, तो हमें उठा के अपना शब्द के बाद उसे को रख देना है दो कामों के बीच में और उसके बाद ध्यान से स्टार्ट करना है और फिर उसे पूरा सेंटेंस लिख देना है। अब हम दूसरा सेंटेंस जो लिखने वाले हैं उसमें क्या है कि कालिदास वाले दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे
कालिदास है, कालिदास है, वाजे ग्रेट, कालिदास वाजे ग्रेट पोएट एंड ग्रेट पोएट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट ड्रामा टेस्ट है, हीरो शकुंतलम। तो दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है कि ही रोट शकुंतलम, ही रोट शकुंतलम, ही रोट शकुंतलम। इसने क्या कहा गया है, कालिदास का जो को है, कालिदास एक महान कवि और नाटककार थे, हीरोद शकुंतलम ने शकुंतलम लिखा है। तो हमें क्या है इसे जो है नाउन और प्रेजेंट पोजीशन की सहायता से जो है हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। और हमें देखना है इसमें से कालिदास एक ग्रेट पोएट, कालिदास जो है कि महान महान कवि और नाटककार थे ना, और उसने क्या है किवा जो शकुंतलम। अगले सी बात देखो, कालिदास के बारे में जो है पहले सेंटेंस में कोई बातें बताई गई है या दूसरे सेंटेंस में, इसे देखो कालिदास के बारे में जो ये बातें बताई गई है कि ग्रीक पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, मतलब एक महान कवि और क्या थे, नाटककार थे ना। अब उसमें क्या है कि अभी मतलब कालिदास के समान अधिकरण वाला शब्द यही है, कालिदास के जो समान अधिकरण वाला शब्द जो है यही है। तो जब इसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा हमारा कालिदास ए वर्ब हटाना है, ए ग्रेट पोएट एंड एंड ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट। अब यहाँ से जो है सभी को हटा देना, कालिदास के लिए भी जो है हमें वर्ब से स्टार्ट करना है हो जाएगा रोट, पांचवी डिग्री में अपने आप चले जाएगा रोट शकुंतलम, शकुंतलम रोट शकुंतलम। तो इस प्रकार जो है इसे कंबाइन करना है, इस प्रकार जो है इसे कंबाइन करना है। तो हमने देखा कि कालिदास एक ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट है, रोट शकुंतलम, इसे जो हमने नाम या श्रेणी का पोजीशन की सहायता से जैसे हमने कंबाइन किया। अब देखते हैं इसके आगे, अब हम तीसरा सेंटेंस देखेंगे, उसी में से किरण गाता गाता फर्स्ट प्राइज, किरण गाता फर्स्ट प्राइज सी माय डॉटर, सी इज माई डॉटर, सी माई डॉटर। अब इसे जो हमें सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है, अब इसमें क्या कहा है, किरण गॉट द फर्स्ट प्राइज, ने मतलब पुरस्कार प्राप्त किया, सी माई डॉटर मतलब मेरी पुत्री है। अब यहाँ पे किरण के बारे में ही जो कुछ बताया गया है पहले सेंटेंस में नहीं बताया गया है, तो दूसरे सेंटेंस में बताया गया है माई डॉटर मतलब मेरी पुत्री है, मतलब इस ना इसके इससे संबंधित बात जो दूसरे सेंटेंस में बताई गई। तो हमें क्या है कि फ्रेज इन पोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो हम इसे इस बात इस प्रकार कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा किरण, किरण कामा लगाएंगे यहाँ पे, किरण माई डॉटर, किरण माई डॉटर। अब यहाँ पे कामा लगाना है वर्ब से स्टार्ट करने यहाँ से हो जाएगा गॉट द, गॉट द फर्स्ट प्राइज, गॉट द फर्स्ट प्राइज, किरण ने पुत्री ने क्या पुरस्कार प्राप्त किया। हम चौथा सेंटेंस लेते हैं, उसमें से चौथा सेंटेंस हमारे क्या है कि द
अभी आप प्रेजेंट जो है उसमें दशरथ वाद था, चौथा सेंटेंस हमारा है दशरथ वाद था, दशरथ वाद था किंग ऑफ अयोध्या, वाद था किंग ऑफ अयोध्या, अयोध्या दशरथ वाद की नाम है अयोध्या। He had four sons। दूसरा सत्य समारा क्या है? He had four sons। मतलब कि क्या कि दशरथ जो है अयोध्या के राजा थे और उसमें क्या कार्य की है को संख्य चार पुत्र थे, इसे इसी परसेंटेज में कंबाइन करना है। अब दशरथ के विषय देखना जो हमारा सब्जेक्ट है, इस शब्द से संबंधित बात जो है पहले सेंटेंस में दिखाई दे रही है दूसरे सेंटेंस में। अब देखना है कि दशरथ जो है क्या बताएंगे इनके बारे में कि इनके समाज कारण का शब्द क्या है कि द किंग ऑफ अयोध्या मतलब अयोध्या के राजा थे, ये हमारा फ्रेंड है। मतलब इनके दशरथ की जो है समाज कारण का शब्द क्या है ये ही है। तो अगर सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना होगा तो हो जाएगा, तो हम कहेंगे पहले लिखना है दशरथ वाद को हटाना है कामा लगाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर किंग ऑफ अयोध्या, द किंग ऑफ अयोध्या। अब हम आपके आए किंग हमें हटा देना क्योंकि दशरथ के लिए यूज किया गया है, तो हमें आसपास से स्टार्ट करना काम लगा के हो जाएगा हाइड फोर सन, हाइड फोर सन। ये तो था हमारा चौथा सेंटेंस जो है नाउन ऑफ पोजिशन की सहायता करने से जो सिंपल सेंटेंस ने कंबाइन किया। अब देखने वाले पांचवा सेंटेंस जो हमारा है उसमें क्या है कि हमें देखना है कि जो हमारा सेंटेंस है दिल्ली इज आई एम ओल्ड सिटी, दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इट इज द कैपिटल, इट इज द कैपिटल, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसे जो हमें सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है, लाइक दिल्ली एक प्राचीन शहर है, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया भारत की राजधानी है, इसे क्या है हमें सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। इसे क्या करना है सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है, तो हो जाएगा इसमें से ये दिल्ली जो है इसी से संबंधित जो बात है पहले सेंटेंस में बताई गई है और यही और इसी से संबंधित बात जो दूसरे सेंटेंस में भी बताई गई है। मतलब क्या कि दिल्ली एक प्राचीन शहर है और यह क्या भारत की राजधानी है। दिल्ली जो किसको शो कर रहा है, आई ओल्ड सिटी को भी शो कर रहा है और कैपिटल ऑफ इंडिया दोनों को भी शो कर रहा है। इसमें दो चीजें दो फ्रेज मतलब यूज हुई है, पहला क्या कहा गया है दिल्ली के समानांतरण वाला शब्द आई ओल्ड सिटी भी है और दूसरा जो है कैपिटल ऑफ इंडिया भी है, मतलब दो चीज हमें मिल रहे हैं। इसे हम दो प्रकार से पता चल सकते हैं, तो पहला जो है दिल्ली के समानांतरण वाला शब्द हम इसको यूज करेंगे, तो हमें सिंपल सेंटेंस बनाना हो जाएगा दिल्ली वर्ब हटाना है यहाँ कामा लगाना है, दिल्ली आई ने ओल्ड सिटी, दिल्ली है ओल्ड सिटी, अब यहाँ फिर कामा लगाना है, फिर कामा लगाना है दिल्ली आई ओल्ड सिटी कामा लगाना है और फिर उसके बाद हमें यहाँ वर्ब से स्टार्ट करना है, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, या हम इस प्रकार भी कंबाइन कर सकते हैं कि दिल्ली
या तो इस प्रकार भी कंबाइन कर सकते हैं, जो रही रही काम लगाएंगे द कैपिटल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज एन ओल्ड सिटी। यहाँ काम लगाना है हो जाएगा इज आई एन ओल्ड सिटी, मतलब ये दो प्रकार से हम जो सिंबल संदर्भ में कंबाइन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर दिल्ली के समाज का और सब जो है ये अगर दिल्ली को ही शो कर रहा है और दूसरा समाज का और सब क्या है कि दिल्ली को ये भी मतलब शो कर रहा है, मतलब दोनों तरीके से हम इसे सिंपल संदेश में कंबाइन कर सकते हैं, वो भी किसकी सहायता से नाम का फ्रेजिंग अपोजिशन का प्रयोग करके जो है हम इसे जो सिंपल संदेश में कंबाइन कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि इसमें सेंटेंसेस के अंतर्गत नाम और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल संदेश को मिलाकर एक नया सिंपल संदेश बनाना। इसके लिए हम जो है आपके लिए होमवर्क जो है कॉम्प्लीट कर सेंड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।